व्हाट्स अप गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल द परफ्यूम लैब पे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है प्ले बॉय के एक और डियो के ऊपर जिसका नाम है 2.0 U2.0। इस डियो का आज रिव्यू करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कैसी इसकी खुशबू है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या लॉन्जिबिलिटी है, कहाँ से परचेज करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दूंगा। बस आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा मेरे वीडियोस को और शेयर भी करिएगा। सबसे पहले मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो जो बेल का आइकन है उस पर जरूर क्लिक करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। काम अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई ताकि फ्यूचर में उस कमी को दोबारा रिपीट ना किया जाए। ठीक है, इसी जानकारी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट की, अपनी बॉटल की। ये रहा आपके सामने वो प्रोडक्ट U2.0, जैसे आप देख सकते हो ये बॉटल। इस बॉटल का मैंने पूरा रिव्यू किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। हेलो गाइस, सो बात कर लेते हैं इस बॉटल के बारे में। इस बॉटल का रिव्यू कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी कलरफुल बॉटल है ये, काफ़ी शानदार इसका कलर है। प्लेयर वन लिखा हुआ है और तीन हार्ट के यहाँ पर निशान है। काफ़ी रंगीन बोतल है ये, जैसे आपको पता है प्ले बॉय नाम अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है जो कि मतलब काफ़ी जो है मतलब खुले दिल वाला है और जो मस्ती मजाक करने वाला एक जिसे कैसे मजाकिया टाइप इंसान है जो कि काफ़ी फीमेल टाइप है, ऐसा रिप्रेजेंट करता है प्ले बॉय के डीओ भी और उनकी बॉटल भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे U2.0 लोडिंग, ये इसका जो वेरियंट का नाम है। ये प्ले बॉय का जो है सिम्बल है, ये पहले बहुत चला करता था, ये काफ़ी लोग ईयर स्टेट भी पहना करते थे ऐसे ही। प्ले बॉय का नाम, ड्यूरेंट बॉडी स्प्रे फॉर हिम, 150 ml की बॉटल, एंटी वाइट मार्क्स, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, तो ये बॉटल के बारे में जानकारी थी। पीछे देख लेते हैं थोड़ा बहुत जानकारी। कस्टमर केयर नंबर वगैरह वगैरह ईमेल आईडी दिया हुआ है और 150 ml की बॉटल, 150 ml की बॉटल, 319 इसका प्राइस दिया हुआ है। ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन काफ़ी कम है, ऑनलाइन ही प्राइस देखेंगे आगे वीडियो में। और छोटी मोटी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, ये जानकारी थी इसकी। अब देखते हैं एक बार, यहाँ पे शायद स्लॉट नंबर लिखा होगा। स्टील की बॉटल है ये वैसे, इस पर अगर देखिए ये पॉज मतलब ये बंद है प्ले, अब ये बॉटल खुल गई है। ठीक है, ओके, गैस स्प्रे है ये, लिक्विड डीओ नहीं है। ये तरीका खोल, ये अभी ओपन है, जब प्ले का बटन होता है तो मतलब ओपन, और अब ये बंद। ठीक, तो ये रिव्यू था मेरा इस बॉटल का। स्टील की बॉटल है ये रिव्यू था मेरे इस बॉटल पे। अब चलते हैं अपने मेन वीडियो को। ओके गाइस, बॉटल का रिव्यू तो हो गया, अब बात करते हैं जी खुशबू की, कैसी इसकी खुशबू है, क्या इसकी लॉन्जिबिलिटी है। जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ U2.0 काफ़ी कलरफुल बॉटल है ये, काफ़ी अच्छी बॉटल है। कंपनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है नोट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो नोट्स की जानकारी। जो टॉप नोट है वो लेवेंडर का है, उसके अलावा सेज ऑयल है, उसके अलावा ग्रेप फ्रूट है। मिडल नोट है एप्पल, कार्डमम और जिंजर का। जो बॉटम नोट है वो पचोली है, सैंडलवुड है और कुमरिन है। अच्छा, कुमरिन फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा ये परफ्यूम के नोट्स के अंदर, ये नाम फर्स्ट टाइम आया है। मैं आपको बता दूं, कुमरिन जो होता है थोड़े से स्वीट और स्पाइसी नोट्स में आते हैं, बॉटम नोट में आते हैं। इसमें थोड़ी सी वनीला की मिठास होती है और ये अधिकतर जो जंगल होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। ये नोट्स हर्ब में ही आते हैं, थोड़े वुडी नोट में ही आते हैं, तो अधिकतर जंगलों में जो पौधे उगते हैं उसमें ये खुशबू पाई जाती है। ठीक है, तो ये थी नोट्स की जानकारी मैंने आपको बता दी। अब देख लेते हैं कि इसकी एक्चुअली खुशबू कैसी है। यहाँ पर कोई ढक्कन नहीं है, सिंपल सा इसको टर्न करना है। यहाँ पर जब प्ले का लोगो आता है तब समझ जाइएगा कि बॉटल ओपन है। ठीक है, तो इस बॉटल को मैं ओपन करके स्प्रे करता हूँ। ठीक है, यूनिक खुशबू तो डेफिनेटली है, डेफिनेटली यूनिक खुशबू है, अच्छी खुशबू भी है। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ी लेवेंडर की कड़वाहट भी आ रही है मुझे,
थोड़ी सी जो है मिठास भी है यहाँ पे, कड़वाहट जिंजर की वजह से भी थोड़ी सी बढ़ रही है, क्योंकि जो खुशबू थी स्टार्टिंग में मीठी मीठी सी खुशबू थी, बट अब थोड़ी सी कड़वी खुशबू मुझे फील हो रही है, जैसी खुशबू हवा में फैल रही है मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ी सी कड़वाहट बढ़ती जा रही है। प्ले बॉय का जो डियो होते हैं असल में थोड़े से वाइल्ड खुशबू जैसे कि होते हैं, सॉफ्ट खुशबू आप इनसे जो है उम्मीद नहीं कर सकते, काफ़ी वाइल्ड और काफ़ी थोड़ी सी जो कहते हैं ना हार्ड स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन खुशबू होती है, वैसी खुशबू ये बनाते भी हैं। ये जो खुशबू ये भी थोड़ी सी हार्ड है, मैं अगर जो भी इस डियो को परफ्यूम को लगाते हैं, आप दिन में लगाते हो या रात में लगाते हो डजंट मैटर, लेकिन अगर आप ओपन स्पेस में हो, जैसे ओपन इलाका है जहीं जहाँ भी हो वो ओपन है एरिया, तो ठीक है, तो हैवी में लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बंद कमरे में हैं, स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं या ऑफिस में हैं, तब ज़्यादा लगाना दिक्कत की बात है, क्योंकि इसमें अल्कोहल भी ज़्यादा है और आसपास के लोगों को दिक्कत भी हो सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी खुशबू अच्छी है, जो नोट्स हैं थोड़े से स्वीट होते जा रहे हैं, थोड़े से मैस्कुलिन भी होते जा रहे हैं, मुझे थोड़ी सी जो है खुशबू फील हो रही है। ग्रेपफ्रूट एक ऐसी चीज़ है जो टॉप नोट में मुझे फील हुई, मिठास भी देती है, थोड़ा सा कड़वापन भी देती है, खटास का तो मुझे पता नहीं, बट जहाँ तक मुझे फील होता है नोट्स ऐसा में कंबाइन किए जाते हैं बर्गामट के साथ, सॉरी ग्रेपफ्रूट के साथ, कि खुशबू एक टाइम पे स्वीट भी हो जाती है और थोड़ी कड़वी भी हो जाती है। खट्टी तो मैंने बहुत कम फील करी है। बर्गामट का अगर आपको अच्छा एग्जांपल चाहिए, जो डेनवर का परफ्यूम है, ब्लैक कलर की जो बॉटल है, कैलिबर नाम है उस वेरिएंट का, उसको ट्राई कीजिएगा, उसमें ज़बरदस्त यूज़ हुआ है बर्गामट का, सॉरी ग्रेपफ्रूट का, बार बार मेरे मुँह से बर्गामट निकल रहा है, ग्रेपफ्रूट का बेहतरीन जो है इस्तेमाल हुआ है कैलिबर डियो में। अगर मैंने पिछले जो इस वीडियो के बीच में भी कभी ग्रेपफ्रूट की जगह बर्गामट का इस्तेमाल किया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर डियो में मैं बर्गामट ही वर्ड यूज़ करता हूँ, तो मेरे मुँह पे वही चढ़ा हुआ है, तो शायद गलती से वो निकल गया होगा। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेपफ्रूट की। ग्रेपफ्रूट ऐसी खुशबू है, इसका आपको बेहतरीन एग्जाम्पल देना है, देखना है तो जो डेनवर का कैलिबर डियो है उसमें देखिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू डिज़ाइन की हुई है, वैसी खुशबू यहाँ भी डिज़ाइन हुई है, थोड़ी सी कड़वी हो रही है, स्टार्टिंग जैसे स्प्रे किया मीठी थी, अब थोड़ी सी कड़वी होनी स्टार्ट हो गई है, ओवरऑल ठीक ठाक खुशबू है, यूनिक खुशबू है, अच्छी खुशबू है। प्ले बॉय का नाम आते ही आपको महसूस होता है कि जो खुशबू है वो एकदम जिसे कहते हैं ना तड़क भड़क वाली होगी, वैसी ही खुशबू है, डेफिनेटली वैसी खुशबू है। ऑफिस में यूज़ करिए, जिम में यूज़ करिए, आप कॉलेज स्कूल में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन में रात में कहीं भी यूज़ करिए, और अधिकतर इसको डिज़ाइन ही किया गया है कि आप इसको पार्टी में यूज़ कर सको, तो पार्टी में भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 30 प्लस हो 30 के बिलो हो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी कोई भी एज ग्रुप के हो आप इसको यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली आपको ये खुशबू पसंद आएगी ही आएगी, डेफिनेटली आपको ये खुशबू पसंद आएगी, क्योंकि खुशबू एक्चुअल में वैसी है कि लोगों को पसंद आ सके। तो ये थी जानकारी। अच्छा, इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, प्राइस इसका 319 है, लेकिन ऑनलाइन प्राइस थोड़ा कम हो चुका है, अमेज़न फ्लिपकार्ट दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इसको परचेस कर सकते हो। और भी कोई जानकारी आपको इसके बारे में चाहिए, लगाने का तरीका मैं आपको बता दूँ, गले के आसपास लगाना है आपको, चारों तरफ बॉडी के ऊपर एक्स बनाते हुए लगाना है, चेस्ट के बीच में, चेस्ट के नीचे। कई लोग होते हैं जो गैस डियो को बॉडी के कपड़ों के ऊपर स्प्रे करते हैं, जो कि गलत है, कपड़ों के ऊपर स्प्रे मत कीजिए, वो खुशबू स्टार्टिंग में तो आएगी बट बहुत जल्दी उड़ जाएगी, उसकी जगह आप बॉडी पे स्प्रे करिए ताकि खुशबू देर तक टिकी रहे, ठीक है, ये होता है तरीका लगाने का। गैस डियो है बॉडी पे लगाइए, लिक्विड है तो कपड़ों पे लगाइए, कोई इशू नहीं है, अच्छी खुशबू आएगी आपको। तो ये थी मेरी जानकारी प्लेबॉय U2.0 के ऊपर। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए परफ्यूम के रिगार्डिंग, डियो के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।